सात साल में बीजेपी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, एक ईंट तक नहीं लगाया है। ये कांग्रेस का देन है जो कि नीचे रोड चला गया है। और ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं, आप खुद देख रहे हो, यहाँ चलने लायक नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। ये मैं गिर गई थी, यहाँ बाहर निकली थी तो ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे। नालियाँ वही ऊपर से निकाल के चले गए, काम खत्म। नीचे का भी मतलब पूरा भरा पड़ा, पूरी नाली ओवरफ्लो होते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी इतना होता है, इतना कोई सोच नहीं सकता यहाँ पे। मेरी दुकान को 9 साल हो गए, ना तो कभी गुलाब जी आए और ना ही कभी राजदत्त जी आए। और हम एक दो बार हम वहाँ गए भी थे उनके ऑफिस में, उन्होंने बोला पहले आप अपनी नालियाँ सफाई कराओ, नालियों का कीचड़ है। उन्होंने बोला जी सड़क ऊँची कराओ, नालियाँ क्या करेंगी। दोनों ने अपने अपने तर्क दे के हमें बुद्धू बना के भेज दिया, क्योंकि आपको मालूम है नेता लोगों की अपनी अपनी जुबान होती। वो इतनी बदतमीज है ना, हमारे पैंट खोल करके 10 लगा भी देंगे, वो अपने इंस्पेक्टर को लगा देता है तो हमको क्या नहीं। दिल्ली के अलग अलग वार्डों में आपको हाल हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग वार्डों का क्या हाल है, अलग अलग वार्ड में दिल्ली के किस तरीके से जनता क्या चाहती है, जनता की क्या राय है, पार्षदों के बारे में क्या राय है, पार्षदों ने काम कराए या नहीं कराए, और 2022 के नगर निगम के चुनाव के लिए जनता क्या उनके मन की बात है, वो हम जानने आज पहुंचे हैं ककरोला के वार्ड 35 में। फिलहाल यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय सज्जन हैं, क्या नाम आपका? अनिल। अनिल जी, जो आपके पार्षद हैं राजदत्त राजू, उन्होंने काम कराया क्या वार्ड में? अब भी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, किसी तरह का कोई भी काम नहीं, ना नाली साफ हुई है, ना कोई पत्थर आया है। सीधे यूँ बोलते हैं हमें, अब इस बार कॉलोनी के लिए कुछ आता ही नहीं है, नॉर्मल से कोई तो टेंडर ही नहीं है इसका, यूँ कहते डायरेक्ट ही। नहीं, आप लोग जब जाते हो तो उनको बताते हो कि जी ये दिक्कत है हमारी कॉलोनी में पानी? तो भी कहते हैं इस कॉलोनी का तो कोई टेंडर ही नहीं है, यूँ कहते डायरेक्ट ही। टेंडर नहीं है मतलब? नाली का कोई टेंडर नहीं होता, यूँ कहते डायरेक्ट। सफाई वगैरह सिर्फ झाड़ू लगती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। नालियाँ साफ नहीं होती? नालियाँ वही ऊपर से निकाल के चले गए, काम खत्म। नीचे का भी मतलब पूरा भरा पड़ा, पूरी नाली ओवरफ्लो होते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी इतना होता है, इतना कोई सोच नहीं सकता यहाँ पे बारिश के समय। आज जैसे अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरीके से बारिश आई, अभी भी मेट्रो के नीचे जाकर देखो तो घुटना बंदा डूब जाएगा, इतना पानी है वहाँ पे मेट्रो के नीचे। क्या आप स्थानीय जो MLA हैं उनको भी इस बारे में बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ था? सांसद को भी बता दिया, वो भी कुछ करने को राजी नहीं है। सांसद भी कहता हमारे तो एरिया में नहीं आता, ये हमारे टेंडर में नहीं है, वो हमारे टेंडर में थे, सब मतलब एक दूसरे पे पट्टी मारते हैं, मतलब किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं है उनके ऊपर। वो कहता हमारे एरिया में नहीं कुछ भी, यूँ कहता डायरेक्टर। तो आपका जो ये एरिया है, क्योंकि ये तो ककरोला 35 वार्ड में है, तो 35 वार्ड के पार्षद की जिम्मेवारी बनती है। प्रवेश वर्मा कहता है भाई ये मेरे अंडर में नहीं है, गुलाब सिंह कहता है मेरे अंडर में नहीं है, सीधा यूँ कहते छूटते ये लोग नहीं करते ना, किसी तरह कोई काम नहीं जी। क्या लगता है साहब, कुछ काम हो रहा है कि ये जैसे कह रहे हैं वही बात? वही बात, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है? क्या काम नहीं हो रहा है? सफाई का काम, जो MCD का काम है, ये कोई काम नहीं हो रहा है। जब से जीत के गए हैं उसके बाद ये नज़र नहीं आते। तो क्योंकि जो पार्षद हैं आपके वो BJP के पार्षद हैं, तो जो MLA हैं वो आपके आम आदमी पार्टी के हैं, कभी MLA को ये कहा कि साहब आप काम करवा दीजिए, ये नहीं करवा रहे? MLA तो कहते MCD वाला करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता के पास एक मौका होता है, जब चुनाव होता है जो काम नहीं करता है उसको बदल देती है जनता, तो अब क्या चाहते हैं कि आगे 2022 का जो चुनाव होगा उसमें किस पार्टी के किसी नेता को बनाना चाहते हैं? जो हमारे काम करेंगे उसको बनाएंगे, उसी देखते हुए उसको वोट देंगे। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी में ऐसा हो सकता है, कांग्रेस, BJP, आम आदमी? आम आदमी में हो सकता है। आम आदमी? हाँ। आपको उम्मीद है कि आम आदमी कर पाएगी? उम्मीद तो इनको भी किए थे, उम्मीद इनको भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है कि ये हमारे पड़ोस में रहते हैं इसलिए भरोसा होता है कि ये काम करते हैं। रहते हैं जी? हाँ, अभी यहीं से भाई साहब। अच्छा, ये बताएं कि पार्षद जो हैं आपके कोई काम वाम करवा रहे हैं इलाके में? अब आपके सामने सर जो भी कुछ है देख लो। बताइए ना, आप यहीं पर रहते हैं, मैं तो आज आया हूँ। हाँ, तो काम कुछ नहीं होता है इधर। क्यों? पानी भरा रहता है हर जगह। अभी देख रहे हैं आप, इस गली में जाएंगे तो और भी ज़्यादा कीचड़ है इस गली में, पीछे वाली में। तो फिर आप कहते नहीं हो? सर कहते हैं, बोर्ड भी डालते हैं, लेकिन अब नहीं आते तो क्या किया जाए, उनको घर से थोड़ी ना हम खींच के लाएंगे। इसकी पीछे वाली गली में बता रहे हैं आप? आइए जरा, आइए इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, पीछे वाली रोड पे भी देखते हैं जरा।
क्या हाल है इन लोगों का? ये कहना है कि स्थानीय जो पार्षद हैं वो काम नहीं करा रहे हैं। आप यहीं से हैं क्या सब? वो पार्षद जी कुछ काम वाम करा रहे हैं क्या? काम करा तो रहे ही हैं। अब देखो लाइन बिछ रही पानी की, सीवर की लाइन बिछ रही है। ये लोग कह रहे हैं कि साहब सफाई वफाई नहीं करवा रहे हैं। हाँ, रोड नहीं ये बनाया तुमने, सही बात है। ये जो हमारा ये रोड है ना, सोम बाजार से शनि बाजार की तरफ जाता है, इससे बुरा हाल है। बरसात में निकलने की जगह नहीं मिलती। तो आपने कहा कभी? हमने नहीं कहा। हाँ भाई, हम गए नहीं कभी। बताते हैं गए हैं लोग, अब कराया या नहीं कराया वो तो अब वो ही देखें। हाँ, काम नहीं कराया मतलब? नहीं, हम तो कह रहे हैं काम कराया। देखो पानी पानी की लाइन बिछाई, सीवर बिछाया, लेकिन ये जो सड़क रोड का काम नहीं हुआ। रोड का काम नहीं हुआ, बाकी पानी वानी का काम करवाया है। काम करवाया है। और जो लोग हैं उनसे जानते हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि पीछे गली है जिसको नहीं बनवाया गया। आप यहीं जाएंगे भाई साहब? यहीं के रहने वाले हैं? डर का ही रहे, फिर बात कीजिए ना। क्या नाम है आपका? मैं तो माल उतारने आया हूँ। बात, नाम क्या है आपका? बबलू। यहीं रहते हैं इस वार्ड में? वार्ड में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन है उधर दुकान में काम करता। अच्छा, वार्ड में नहीं रहते हैं। अच्छा, ठीक है, माल उतार। चलिए कोई नहीं, उतारते हैं। अच्छा, इस गली का जिक्र है कि यहाँ पर ये जो गली है ये नहीं बन पाई है। चलिए इनसे पूछते हैं। साहब आप यहीं से हैं क्या? यहीं से हैं? ये बताएं कि ये आपकी गली नहीं बन पाई है, साफ सफाई कुछ और पार्षद मोदे करवा रहे हैं कुछ है? पार्षद आपकी कुछ काम करा रहे हैं? देख ही रहे हो क्या हो रहा है। आप बताइए कुछ हो रहा है क्या? कोई काम नहीं। कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। तो आप कहते नहीं कि साहब बनवाइए गली बनवाइए या और कुछ? मुश्किल है यहाँ तो। फिर कहते नहीं है इस बारे में? कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है। कोई नहीं है, नरक पड़ा हुआ, नरक नरक है। देखो चलिए आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है जो ये लोग कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो गली है इस गली को लेकर लोगों की काफ़ी शिकायत है कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और इस गली से क्योंकि लोग यहाँ से गुजरते होंगे तो जाहिर तौर पर लोगों को जो दिक्कत आती है वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति। आप यहीं से हैं भाई साहब? ये बताएं कि पार्षद मोदे कुछ काम करा रहे हैं क्या? अभी तो फिलहाल हम काम तो करवा ही रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है? सीवर बने हैं। अच्छा। और नालियाँ ऐसे बनी हुई है। रोड वोड सफाई? सफाई नालियाँ का हो रहा है। अच्छा। रोड वोड तो नहीं बन रहे हैं अभी। तो अब क्या लगता है कि आगे MCD के चुनाव हैं, MCD के चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? वो तो टाइम बताएगा। तभी आपकी पसंद होगी। मौजूदा पार्षद ठीक काम कर रहे हैं तो बटने चुड़ले कि उनको देंगे, और किसी को अगर उम्मीद है तो उनको देंगे। वो तो टाइम ही बताएगा, जब चुनाव आएगा उस टाइम अपना किससे वोट देखते हैं। जब वोट डालते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं? इस चुनाव करते हैं आपकी ये ठीक है साहब, इसको डाल देते हैं? नहीं, वो तो काम करते हैं जो जिसे डालते हैं। हाँ हाँ। यहाँ पर कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आप यहीं से हैं साहब? मैं यहीं से हूँ। ये बताएं कि आपके पार्षद ने राजदत्त राजू, आपके पार्षद हैं BJP के 35 वार्ड इसी से, उन्होंने कुछ काम कराया आपके इलाके में? उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया। उनकी गाड़ी जरूर आती है कूड़े उठाने वाली, वो भी एक दो दिन छुट्टी कर लेती है हफ्ते में। तो आप कहते नहीं हो कि साहब रेगुलर कूड़े की गाड़ी नहीं आती? कौन बोलने जाए, उल्टा सीधा बोलते हैं। वो तो ढंग से बात नहीं करते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। और जो काम है कूड़े के अलावा, सफाई है या फिर जैसे रोड है, इसमें झाड़ू लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आते हैं वो तो लोग चले जाते हैं अपने घूम घाम के, रोड पे अपने जो है झाड़ू लेके और अपना निकल जाते हैं, सीधे उधर से आते इधर निकल जाते हैं। इस पर झाड़ू लगेगा भी नहीं, ये लगाएंगे तो लगाएंगे क्या? तो नालियों की क्या पोजीशन है, नाली साफ होती है? ये सब भरी पड़ी है, देख लो आप। ये देखो, ये कूड़ा निकाल के डाल जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन में उठाते हैं, आधा तो बारिश में चला गया, आधा उसमें रह गया। ये तो इस बारे में जब आप पार्षद कभी यहाँ पे आते हैं उनको दिखाते हैं कि साहब ये हो रहा है? आया ही नहीं अभी तक हमारे सामने तो। अगर हम कहीं गए हों गांव वगैरह तो भले ही आए हों, ना हमारे सामने तो आए नहीं है। इस रोड के बारे में भी कभी चर्चा नहीं? बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। आपकी इस वार्ड में जो पार्षद हैं राजदत्त राजू, ठीक काम करा रहे हैं? नहीं सर, का रोड इतने दिन हो गए बोलते बोलते, काफ़ी टाइम हो गया, कहीं सही करने आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है यहाँ पे। आपने बोला है
बहुत दिक्कत होती है, बच्चे नहीं चल सकते, बच्चे गिरते हैं यहाँ पे, बहुत तो दिक्कत होती है। पार्षद को आप लोग बोलते हैं? बहुत बोला सर, बहुत बोला, कोई नहीं सुनता है। तो क्या कहते हैं पार्षद फिर? पार्षद को सर गए थे प्रधान, यहाँ के मंत्री है ना, वही गए थे बोलने, तो नहीं सुनते, कोई नहीं सुन रहा है। सफाई नाली साफ होती? कोई सफाई नहीं होती यहाँ पे, गंदगी देख लो कितनी है यहाँ पे, चलना मुश्किल हो रखा है। अब क्या लगता है, क्योंकि जनता के पास एक मौका होता है चुनाव का, चुनाव जब आता है तो चुनाव में आप जो काम नहीं करता उसको बदल सकते हैं, वोटर के पास एक वो राइट होता है। तो अब 2022 में चुनाव है, उनसे बात हो गई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि किस पार्टी की यदि पार्षद बने तो वो कम से कम यहाँ पे काम करा दे? हम तो वही पार्षद बनेगा जो बोर्ड बने, वो रोड बना देगा, वही होगा पार्षद। तो किस पार्टी से उम्मीद है, क्योंकि अभी बीजेपी के पार्षद हैं? किसी से भी उम्मीद नहीं है यहाँ पे, कांग्रेस भी, कांग्रेस को वोट दे लिया, बीजेपी को दे लिया, कोई नहीं सुनता है, सबको कर दिया। ठीक है, कुछ और जो लोग हैं उनसे जानते हैं, आपके पार्षद हैं राजदत्त राजू, कुछ काम वाम करा रहे हैं इलाके में? हमारे यहाँ जब से वो बने हैं उन्होंने आज दिन तक ना तो कभी मैंने, हम उसे अगर पहचान भी नहीं पाएंगे अगर हमारे सामने आए जाए तो। ऐसा क्यों, आते नहीं आपके पास? नहीं, हमने उनको एक बार भी नहीं देखा इस रोड पे, मेरी दुकान को 9 साल हो गए, ना तो कभी गुलाब जी आए और ना ही कभी राजदत्त जी आए। और हम एक दो बार हम वहाँ गए भी थे उनके ऑफिस में, उन्होंने बोला पहले आप अपनी नालियाँ सफाई कराओ, नालियों का कीचड़ है, उन्होंने बोला जी सड़क ऊँची कराओ, नालियाँ क्या करेंगी, दोनों ने अपने अपने तर्क दे के हमें बुद्धू बना के भेज दिया, क्योंकि आपको मालूम है नेता लोगों की अपनी अपनी जुबान होती है। हम तो हाँ, क्योंकि रोड हम देख पा रहे हैं, रोड तो नहीं बनी है, तो बाकी नाली की सफाई या फिर झाड़ू वाड़ू को जाता है? सफाई होती है हमारे यहाँ, हाँ जी, नाली की सफाई हमारे यहाँ हो जाती है, आते हैं कूड़ा भी ले जाते हैं, कूड़े की गाड़ी भी आती है, लेकिन वही बात है जब सड़क नहीं है तो बरसातों में कीचड़ तो होगा, पानी वानी भरता है जब बारिश होती है तो इसी तरह भराई हुआ, अभी तो है नहीं, बहुत ज़्यादा। ये जो सारी दिक्कत है इनको लेकर जब आप लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि आप लोगों ने वोट देकर ही पार्षद को चुना है, तो पार्षद को बोलते नहीं है कि साहब करवाइए? माता जी आ रही है, माता जी बताइए। इकट्ठे होकर बहुत बार गए, इस कॉलोनी के लोग हम कई बार इकट्ठे होकर गए, लेकिन उन्होंने कभी हमारी कोई सुनवाई की नहीं, यही बोलते रहे कि अभी सीवर पड़ेंगे, सीवर आए हुए हैं, 6 महीने का टाइम लगेगा, ऐसे कर करके हमारे कम से कम भी तो 5-6 साल ऐसे गुजर गए, जो फर्स्ट टाइम बने थे तभी से यही बात हो रही थी। बीजेपी के, तो कभी इलाके में देखने या फिर काम करवाने? हमारे यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं कि साहब आप पार्षद हैं, आपकी जिम्मेदारी एक बनती है पब्लिक के प्रति। हो जाएगा, टाइम लगता है काम में, आप अपने घर में कोई काम कराते हो तो इतना टाइम लगता है, तो हम तो फिर पूरे सरकार के उससे चलते हैं, तो कैसे हम करा दें इतने जल्दी काम, और ये नहीं देखते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं, आप खुद देख रहे हो यहाँ चलने लायक नहीं है, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, ये मैं गिरी थी, गिर गई थी, यहाँ बाहर निकली थी तो ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे, क्या करें, मैं तो कीचड़ में बिल्कुल भी नहीं निकलती बाहर, जब देखती हूँ ऐसा मौसम है चाहे हमें भूखे रहना पड़े लेकिन हम बाहर नहीं निकलते कोई सामान लेने के लिए, दाल बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, कीचड़ की वजह से कोई सब्जी वाला नहीं आता, कीचड़ से इतना डर लगता है कि घर से बाहर जी नहीं निकलते, मैं गिर गई थी, ये देखो ना ऑपरेशन कराना पड़ा मुझे, तो मैं फिर गिर गई तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, हमारा खाना ही कौन बनाएगा। हाँ जी आंटी, एक क्योंकि अब जो है चुनाव 2022 में होंगे, और ऐसे में जनता के पास यही मौका होता है कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, कोई नेता काम नहीं कर रहा है आपका, तो उसको बदल दो, तो अब क्या लगता है कि किस पार्टी का पार्षद बनना चाहिए ताकि उससे उम्मीद है कि ये पार्टी काम करवा सकती है? वैसे उम्मीद तो देखो जी केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी रोड बनवा देंगे तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे उनके, हाँ वो तो ठीक है, आगे वाले काम नहीं कर रहे, केजरीवाल ने तो पानी भी दिया, सब कुछ सुविधाएं दी हैं, लाइट पानी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल जाओ तो काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि आपके यहाँ जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद बीजेपी के हैं, आपस में तालमेल नहीं है, ये एक वजह हो सकती काम ना होने की? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता हो, लेकिन सीवर डल रहे हैं, जब बोलते हैं हम कहते हैं सीवर डल रहे हैं, सीवर डल रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ इतनी दिक्कत है, यहाँ अगर पहले कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, फिर भी और गलियां तो सही हैं, मेन रोड खराब है, मेन रोड की प्रॉब्लम है, मेन रोड पहले बना दें
उसके बाद अपना और कॉलोनियों में काम करते रहे, पहले यहाँ का कराना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि यदि दोनों, यानी कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि सीवर पड़ेंगे, पता नहीं वो सीवर कब पड़ेंगे और कब बनेंगे। अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसी एक वीडियो आई थी, उसको मैंने देखा था, उसमें हमारे ये प्रधान जी है, ये बाइक वाले हैं, कुछ लोगों ने यानी कि बोला था कि ये नहीं पड़ी, लेकिन वो कह रहे हैं 6 मंथ का टाइम मोड़ दो। 6 मंथ करते करते सर जी हमें कम से कम 6 साल हो गई है। आपको लगता है कि यदि MCD में और सरकार में दोनों जगह पर एक पार्टी होती है सत्ता में, तो उससे फर्क पड़ता है क्या? सर जी बहुत फर्क पड़ता है। अगर दोनों एक ही पार्टी होती तो काम ठीक से अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे फिर टाल नहीं सकते। अगर अब हम जाते हैं तो हमें निगम पार्षद पे भेजते हैं, निगम पार्षद हमें MLA पे भेज देता है, इस वजह से भी हमारा तालमेल नहीं बन पा रहा। अब आपको किस पार्टी से ये उम्मीद लगती है, जिस तरीके से आंटी जी ने बताया कि अब क्योंकि पार्टी जो है कांग्रेस, BJP और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी है प्रमुख तौर पर, ठीक है, हमारा काम बहुत अच्छा किया, उनके किसी काम में हम शिकायत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कुछ भी जाओ, हमारे यहाँ सफाई वाले भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन ये सड़क हमारी नहीं बनी, वो मुझे हम नहीं जान पाएंगे किस लिए नहीं बनी, सड़क नहीं बन पा रही हमारी, सड़क का हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बन पा रही है, जबकि गुलाब सिंह ने कई बार बोला कि ये सड़क अब सीवर बनेगा, सीवर पर, सीवर बनने में सर कितना टाइम, 6 साल, और अभी भी वो 6 मंथ का टाइम, अभी 2-4 पहले दिन वीडियो हमने एक देखी थी हमारे यूट्यूब पर आई थी, उसमें भी वो 6 मंथ का टाइम और मांग रहे हैं, ऐसे कर करके तो सर जी 10-15 साल भी निकल जाएंगे। आजकल तो छोटे से गांव में आप चले जाओ, वहां पर भी एक से एक अच्छे, इसको दिल्ली से 6 साल के बीच में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हुए, जब विधानसभा चुनाव में नेता आए तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि साहब गली तो बना दी? बोले जी अभी ये काम हो जाएगा, आप हमें वोट दो, हम आपका काम करा देंगे, वोट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, काम कुछ नहीं कराया, काम करा दे तो बेनिफिट है ना, फिर हम क्या करें, वोट ना दे मतलब वोट लेते हैं, काम नहीं करा रहे, वही तो वही बात है ना, वोट तो देंगे हम, लेकिन किसको दें, यही परेशानी हो रही है ना, किसको दें, ये समस्या हो गई है हमारे लिए। तो अगर हमारा रोड बनवा दे, हमारे तो वोट देने ही देने हैं, हमने देंगे और जरूर देंगे, वही तो हमारा हक है, वो तो हम देंगे ही देंगे। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि यहाँ क्या स्थिति, यहाँ वो पार्षद वार्षद हैं, कुछ काम करा रहे हैं क्या? हाँ करा रहे हैं। क्या क्या काम? ये देख लीजिए क्या काम करा रहे हैं, ये कोई काम नहीं हो रहा है इधर भरत विहार में, कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम बोलते नहीं हो आप जाके, आप इस रोड का हाल देख के अपने आप बताइए कि क्या काम हो रहा है। हमने तो देख लिया, मैं कह रहा हूँ आपने बोला नहीं पार्षद को, बोलने के बाद कोई नहीं सुनता है, जब इलेक्शन होगा ना, जब ये आएंगे, जब जाते हो तो क्या कहते हैं पार्षद? हो जाएगा बस, ठीक है, ठीक कह रहे हैं या फिर नहीं? ये रोड कांग्रेस के जमाने से बनी हुई है। अच्छा। मैंने कई बार पार्षदों को बोला है, ये पानी सीपेज होकर के जा रही है नाले की। अच्छा। और ये 8 साल से नहीं लगी, साफ हुई है। कांग्रेस जब इलेक्शन लड़ने आई, हम किसी पार्टी का विषय में मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये लोग तो हार गया, छोड़ दिया। ये मिट्टी देखिए, डालते डालते हम लोग इतना बड़ा है। एक मिनट यहाँ आइए, दिखाएं। अच्छा मकान, अब हमारे पास तो उतनी है नहीं जो बिल्डिंग बनाऊं, रेलवे से हम रिटायर में, हमारे पास तो वो औकात नहीं है, जब थी तब हमने किया, बच्चों के लिए कर दिया, अब बेटियां सब पोतियां सब बड़ी बड़ी हो गई, पढ़ने लायक हो गई, अब उसकी का खुराक नहीं मिलता तो हम ये क्या करेंगे। इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, मैं एकदम एक्चुअली किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ वो जो MCD वाले हैं ना, उनकी लठ इतनी बड़ी होती है, सिर्फ पत्ते निकाल के डाल देता है यहीं पर, फिर बाद में वो उसी में गिर जाती है। ये गद्दर जो है ना, मलवा, ये साफ नहीं होती है। उनको तरीका नहीं बताते हैं साहब, ऐसे साफ नहीं होता है, आप समझाते हैं? वो इतनी बदतमीज है ना, हमारे पेंट खोल करके 10 लगा भी देंगे, वो अपने इंस्पेक्टर को लगा देता है, तो हमको क्या नहीं, पार्षद को नहीं कहते कि साहब ये तो आता ही नहीं है, नहीं आता है। तो आगे कैसे, क्योंकि एक वोटर के पास एक अपना हक होता है कि जब चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो वो जो काम नहीं करता है उसको बदल देता है। 4 साल 11 महीने में वो उसी का है, 1 महीना जो चुनाव में लगता ना, उस समय वो आपको कहेंगे भैया याद करना, हाँ बस वही एक महीना जो है ना वो आपका है,
नहीं तो कोई नथिंग कुछ नहीं की। मैं ये पूछ रहा हूँ अब वो 2022 में एक महीना जो चुनाव का आएगा उसमें जब आप किस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि साहब वो पार्टी आएगी तो ये काम हो जाएगा? भाई एक बात तो ये भी है, एक कहानी है, जीती बाजी हार गया, जीतता है कोई बाजी मार ले जाता है कोई, देख रहे हैं ना, तो इसको किसको क्या कहेंगे? ये भी तो उम्मीद, आप भी तो आपकी मन की मर्जी होगी ना साहब, फला आदमी फला पार्टी बन जाए तो ये काम हो जाएगा साहब? पार्टी नहीं, वो ये कोई भी आएंगे ना, वो जो कुर्सी है ना वो कुर्सी सिखाती है उसको। अच्छा। हमारे घर में आपके घर में जो कुर्सियां है ना वो ससुरी बोलती नहीं है, उनकी कुर्सी जो है ना वो बोलती है, वो सिखाता है, वो ट्रेंड करता है, तुम ऐसे चलो तुम ऐसे करो। अच्छा, कुर्सी पे बैठने के बाद बिगड़ जाता है। बस वो सब मेंटेलिटी जो है ना चेंज हो जाती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे साहब, क्या उम्मीद है बागे किस पार्टी का, क्योंकि आप चुनाव में किसी को बनाएंगे फिर पार्षद 2022 में, किस पार्टी से लगता है कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी किसका पार्षद? देखिए इससे पहले तो कांग्रेस ने ढलाई किया था, रोड बनाया था, 15 साल से MCD में बीजेपी जीत रहा है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब देखो फिर वही पार्टी आए तो कुछ हो सकता है। कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, काम चाहते हैं हम। अच्छा। कि हमारे कॉलोनी में काम हो। बीजेपी से उम्मीद नहीं बची आपको? अब कोई उम्मीद नहीं है, 15 साल हो गया कुछ नहीं हुआ तो आप क्या उम्मीद रखें उससे? क्या कह रहे हैं आंटी जी? 7 साल में बीजेपी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, एक ईंट तक नहीं लगाया है, ये कांग्रेस का देन है जो कि नीचे रोड चला गया है। हाँ, बीजेपी किसको बनाएंगे यहाँ से? आगे किसको, किसकी पार्षद चाहते हैं आगे बने? पार्षद जो भी बने काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको आपको किससे उम्मीद है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी तो ठीक है, बिजली पानी सब कुछ दे ही रहा है, अब जो है रोड नाली बच गया, नाली देखिए ना हमारा कितना ये पानी आता है इसमें, क्या करे, अभी पानिए फेंक रहे थे तो क्या करूं, कोई करने वाला नहीं है, खाली कुर्सी चाहिए, कुर्सी कुर्सी का चक्कर है, वोट लेके भाग जाते हैं। हाँ, दिखते नहीं है, पहचानते नहीं है कि हम कौन है। आप जाके कहते नहीं साहब हम वोटर हैं आपके, आप कुछ सोचिए तो मुंह पर कहेंगे। मुंह पर कहेंगे, आप मुंह पर कहेंगे, वोट लेने में हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद कोई मतलब नहीं है, पहचानते नहीं है, नहीं निकल गया पहचान बस। चलिए कुछ और लोग हैं, आप क्या सोचते हैं मित्र कि किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों के अलग यहाँ तो कम से कम तो 7-7 साल से काम ही नहीं हो रहा है यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा। जो नेता जीत के जाते हैं हाथ जोड़ कर वोट लेके जाते हैं दोबारा देखने के लिए भी नहीं आते यहाँ पे, हो न बीजेपी वाले न आम आदमी पार्टी न बीजेपी कोई भी नहीं। तो बाकी ये रोड पे इतना खंडर हो रहा है, जितने आ रहे जाते किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पाँव टूट रहा है, रोड पे चलते हैं तो गिर जाते हैं, देखिए सामने। तो बाकी क्योंकि चुनाव होगा तो चुनाव में क्या चाहते हैं कि किस पार्टी का पार्षद बन जाए तो साहब काम हो जाए? चुनाव में देखिए जैसे मतलब जो काम करेंगे हम उनको वोट देंगे। कैसे जज करेंगे, वही तो कह रहा हूँ ना, कब कैसे? पहले भी हमारे कांग्रेस को बना के गए थे, पहले भी नाली खरंजा रोड सब पक्की करवा के गए थे, उसके बाद कभी आया ही नहीं है लोग, ना आम आदमी आया ना बीजेपी वाले, कोई नहीं आया घूर के देखने के लिए भी यहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, क्या कह रहे हैं आंटी जी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे सीवर डरवा दें तो है, सीवर डरवा दें, रोड बनवा दें, और क्या, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। उनको पार्षद को नहीं कहते हो जाके बनवाइए साहब, क्या कर रहे हो, हमने वोट दिया था? मैं क्या कहूँ अज्जा बताओ, मैं तो खैर नहीं गई हूँ एक बार, मैं जानती भी नहीं कहाँ आए वो पैसों। हाँ। पैसे आते नहीं है यहाँ पे, आते नहीं पार्षद? नहीं आते, कोई नहीं आता यहाँ, सफाई वफाई कुछ हो रही है गली में? कुछ नहीं होती, हम अपने आप करते हैं ग्वार रोड। हाँ, कूड़े वाली गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आती है, नहीं आया, एक आधा आई बस चुप, इतनी तेज भगा के ले चला जाता है, वो कहते मेरा यही काम है। और नाली वाली साफ नहीं होती, नाली सब ऐसी भरी पड़ी है, रोड पे पानी बहता है। तो बाकी किस पार्टी से उम्मीद है कि साहब इस पार्टी का पार्षद बन जाए तो फिर कुछ करवा देगा यहाँ इलाके में? अब जो सबको अब पता नहीं भैया, हम जे नहीं बता सकते आपके मन की क्या बात है वो बताइए। मनन की कुछ बात नहीं है, जो उन पे सबको जाएगा उसी पे मैं भी दे दूंगी, जब हम सबके साथ, और क्या, सबके साथ चलेंगे आप ये कह रहे हैं। तो आपने देखा कि ये वार्ड नंबर 35 है जहाँ के लोगों की राय आपने सुनी,
लोगों ने अपनी जो दुख तकलीफ थी वो बताई और किस तरीके से जो स्थानीय पार्षद हैं वो काम करवा रहे हैं, नहीं काम करवा रहे हैं, उनसे क्या शिकवा शिकायत है, तमाम चीज़ें आपने सुनी। अगली बार आपको और किसी वार्ड में लेकर चलेंगे, वहाँ की जनता से रूबरू कराएंगे, वहाँ की जनता के मन की बात आपको बताएंगे।